इनकी तारीख अगर देखी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये एजाज अता फरमाया अफगानियों को। और मैं अगर पीछे जाऊं तो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों की हुकूमत तकरीबन 600 साल कायम रही हिंदुस्तान में बर्रे सगीर में, वो भी अगर देखा जाए तो अफगानियों की बदौलत, क्योंकि हिंदू की जहनीयत यह है कि वो कभी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं करता। हिंदू ने पूरी तारीख हमारी ये बताती है कि हिंदुओं ने हमेशा मुसलमानों पर जुल्म और सितम किए, हमेशा मुसलमानों को तहे तेख किया, हमेशा मुसलमानों को का खून बहाया। लेकिन जब कभी हिंदुओं ने यह हरकत की तो मुसलमानों को हिंदुओं के जुल्म और सितम से नजात दिलाने के लिए अफगानिस्तान के लोग आए। हजरत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में मरहटों का सिक्का डाला हुआ था और मरहटों की तरफ से मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तो हजरत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अफगानिस्तान में खत लिखा अफगानिस्तान के हाकिम अहमद शाह अब्दाली को, और वह अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आए और आकर पानीपत की जंग में मरहटों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि जिसके बाद मुद्दत तक वो सर नहीं उठा सके। उससे पहले महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों पर यहां जुल्म और सितम हो रहा है तो महमूद गजनवी ने मुसलमानों को जुल्म और सितम से बचाने के लिए गजनी से सफर करके हिंदुस्तान के ऊपर हमले किए और सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। अलाउद्दीन खिलजी, वो भी इन अफगानिस्तान के थे, और उन्होंने आकर हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम की। तो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत का जो तवील दौर है वो भी दरहकीकत अफगानों की बहादुरी और उनके जज्बे ईमानी का मरहून मन्नत है। अंग्रेज जब आया उसने पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों को तहे तेग किया और मुसलमानों के हाथ से हुकूमतें छीनी, लेकिन जब वो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ा और अफगानिस्तान को भी फतह करने की कोशिश की तो बरतानिया की वो अजीम ताकत जिसके बारे में कहा जाता था कि इस की हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता, उसको साथ उसके सामने डटने वाले और उनके का मुकाबला करने वाले यही अफगान थे। और बरतानिया अपनी सारी चालों के बावजूद, अपने सारे लाओ लश्कर के बावजूद, अपने सारे वसाइल के बावजूद आकर अगर ढेर हुआ तो अफगानिस्तान में हुआ, और उसके नतीजे में यह उनके समझ में आ गया, उस वक्त बरतानिया के समझ में आ गया था कि जब तक मुल्ला मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर हम कभी भी उस अफगानिस्तान पर फतह याब नहीं हो सकते। तो इकबाल ने उसी का जिक्र किया था यह कहते हुए कि अफगानियों की गैरत दी का है यह इलाज, मुल्ला को इनके कोह दमन से निकाल दो, वो फाककश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये पैगाम, ये प्लान था बरतानिया का, लेकिन अल्लाह ने इनके हाथों फेल कराया। उसके बाद उस वक्त दो ताकतें दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर रही थी, दो सुपर ताकतें, एक रूस और एक अमेरिका। तो रूस आया तो उस रूस ने चाहा
कि मैं किसी तरह अफगानिस्तान पर कब्जा करूं, और अफगानिस्तान पर तनहा कब्जा करना मकसूद नहीं था, बल्कि मकसूद दरहकीकत पाकिस्तान के ऊपर भी कब्जा करना और गर्म पानी तक पहुंचना मकसूद था। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको भी, उस अजीम ताकत को जो उस पर एक सुपर ताकत समझी जाती थी, सोवियत यूनियन, अल्लाह ताला ने अफगान मुजाहिदीन के जरिए ही उसका कलाकमा किया। इस तरह कलाकमा किया कि जब वो शिकस्त खाकर भागा, तो शिकस्त खाकर भागने के बाद उसकी पूरी सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज सोवियत यूनियन को कोई नहीं जानता। उसके तमाम जिन रियासतों पर सोवियत यूनियन ने कब्जा जमाया हुआ था, वो उसके बाद रफ्ता रफ्ता सब आजाद होती चली गई, टूट गया वो सुपर ताकत, टूट गई, उसकी ताकत जमीन में दफन हो गई। वो भी अल्लाह ताला ने इनके जरिए कराई और इनके जज्बे ईमानी के जरिए कराई। अब दूसरी सुपर ताकत वाहिद रह गई थी, वो अमेरिका, जो कहती थी कि अब जो है सारी दुनिया के ऊपर मेरी हुकूमत है, सारी दुनिया पर मैं वाहिद ताकत मैं हूं। उसने हमला किया, एक ऐसी हुकूमत पर हमला किया जो तालिबान के जेर क्यादत थी। 3 साल तक उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अमन व अमान और इंसाफ की मिसालें कायम की थी। अगरचे कुछ गुलू भी था, अगरचे बाज मामलात के अंदर दानिशमंदी की और हिकमत की भी कमी थी, लेकिन 3 साल तक उन्होंने हुकूमत की अफगानिस्तान के ऊपर, मगर उसको दुनिया की ताकतों ने तस्लीम नहीं। सिर्फ पाकिस्तान था, सऊदी अरब था और इमारात था जिसने उस हुकूमत को तस्लीम किया हुआ था।